हेलो फ्रेंड्स, अय्यर लोग का बोलबाला है। क्रिकेट टीम में सैयस अय्यर, मूवी में अश्वनी अय्यर ने धूम मचा रखा है। हेलो फ्रेंड्स, मूवी रिव्यू के फ्रेश कुमार वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंगा मूवी के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैंने देखी दूसरी मूवी इन वन डे पंगा, लेकिन एक चीज में हो गया दंगा, मैंने क्यों देख ली स्ट्रीट डांसर 3D। पंगी मूवी ने मेरे पूरे पैसे अगर वसूल किए तो स्ट्रीट डांसर 3D में मेरे पूरे पैसे वेस्ट हुए। तो चलिए हम बात करते हैं पंगा मूवी के बारे में। तो पंगा मूवी इज अ लॉन्गेस्ट मूवी बट बेस्ट मूवी, कंगना रनौत की 2020 की बेस्ट मूवी है। और इतनी बेहतरीन स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, राइटिंग ऑफ स्टोरी, आई लव यू अश्वनी अय्यर, आई लव यू, मतलब इस तरह की इतनी बढ़िया मूवी बनाने के बाद और कैसे एक्सपेक्ट बहुत चीज को, एक स्टोरी इतनी बेहतरीन। मैंने तो पहले ट्रेलर से ही मूवी बहुत बेहतरीन थी, लेकिन इतनी बेहतरीन स्टोरी, दिल छू गया। मतलब जो माँ वर्ड का रियल मीनिंग होता है ना, आप इस मूवी में जाके देखिए तब पता चल जाएगा कि माँ माँ बोलने से नहीं होता यार, माँ करने से होता है। माँ हमारे लिए बहुत कुछ कर जाती है और हम लोग का कुछ नहीं किया। उन्होंने हम लोग को एज वन ईयर से अब तक खड़े करते हैं और हम लोग उसे जल्दी से कर देते हैं। इस मूवी आपको बदल देगी। ये मूवी देखने के बाद आपकी जो नजरिया है माँ के प्रति और अपने फैमिली के प्रति काफ़ी बदल जाएगी। जब माँ 32 इयर्स में कमबैक कर सकती है ट्रेलर के हिसाब से, तो भाई हम लोग क्यों नहीं हम लोग अपने आप को कर सकते हैं। और इतनी अच्छी मूवी, आपको पता होगा गिल के बारे में, उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की ना भाई, दिल खुश हो गया। मतलब मैं मूवी देख रहा था और काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। मूवी है रन टाइम काफ़ी लंबी, लेकिन आप जब इस मूवी में डूब जाएंगे ना, इनके स्टोरी लाइक डायलॉग्स में डूब जाएंगे, इतनी बेहतरीन मूवी लगी, दिल छू जाएगा। फिर आप कहेंगे भाई तू झूठ बोल रहा है क्या? नहीं भाई, अगर आपको पता हो स्ट्रीट डांसर 3D की इंटरेस्टेड में अगर बुक मैसू में आप जाके देखेंगे तो 95K थी भाई, इंटरेस्टेड लोग थे मूवी के, और पंगा के मात्र 7K थे। लेकिन अभी आप जाके देखो बुक मैसू ने रेटिंग के हिसाब से, जो पब्लिक की ही रेटिंग होती है उसके हिसाब से, मात्र 1% अभी पंगा पीछे है। और हमको हम आपको बता दे रहे हैं 2 से 3 दिन में पंगा उसे क्रॉस कर जाएगा। मतलब बेहतरीन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन इतना बेहतरीन, और बैकग्राउंड म्यूजिक दिल छू जाता है। मतलब जो म्यूजिक होता है ना, और रिलेशन, अगर जो इमोशनल पब्लिक है या जो इमोशनल हो, तो उन्हें बहुत अच्छा ही मूवी लगेगा, और जो थोड़ा हार्श भी उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जो मूवी में एक एक चीज़ को सजाया गया है ना, वो मूवी लाती है, जैसे बड़ेली की बर्फी। तो ये सब मूवी आपको इतना बेहतरीन लगेगा ना कि चलो भाई 10 साल में 2 ही मूवी लाया, लेकिन 2 मूवी बेस्ट लाया। मतलब ऐसा नहीं कि यार कुछ भी कंटेंट दे रहे हैं, बिजनेस करना, वो बिजनेस नहीं करती है, वो मूवी देती है, और अब इतना इन्जॉय करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। तो कंगना रनौत ने सही में पंगा ले लिया। वो पंगा लेती हैं, दंगा लेती हैं, और हिला डालती हैं पूरा अलग से एक सिनेमेटिक यूनिवर्स को। और गिल भाई ने तो गजब दिल छू लिया यार, पंजाबी स्टाइल इन इंडियंस, और बेहतरीन, आई लव द गिल। और उस बच्ची ने एक पॉइंट पे एक डायलॉग बोला था, उसके कारण काफ़ी पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता है एक माँ के लाइफ का, और वो धूम मचा लेती है। मतलब इस तरह की अगर मूवी आप देखेंगे ना, तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं ये सब गलत नहीं हुआ, मूवी बहुत अच्छी थी, मतलब दिल छू गया। तो ऑल इन वन मैं इस मूवी को रिव्यू दूंगा, जो मेरे लिए तो बात ही नहीं है, तो मैं इस मूवी को रिव्यू दूंगा 4 out of 5। बेहतरीन मूवी, एक स्टार, थोड़ी सी स्टोरी लाइन लंबी थी, लेकिन चलिए ऑल इन वन थी, तो 4 out of 5 इस मूवी को इस रिव्यू दूंगा। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ढेर सारे से कंटेंट देखने के लिए मूवी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।